हिमाचल प्रदेश व्रत एवं त्योहारों की धरती है और यहाँ पर कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है हरितालिका का व्रत, जिसे पहाड़ी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान जहाँ महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए शिव व पार्वती की पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों से, फलों से और हरी पत्तियों से शिव भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है और करवा चौथ की तरह ही महिलाएं इस व्रत में निर्हार रहकर अपने पति की लंबी आयु की दुआ मांगती है। तीज के दिन ये व्रत शुरू होता है और गणेश चतुर्थी के दिन ये व्रत पूजा आरती के बाद खोला जाता है। आपको बता दें कि इस विशेष व्रत के बारे में जाना जाता है कि इसका नियम करवा चौथ से भी कठिन है। हरितालिका के इस व्रत में महिलाएं दूसरे दिन ही जलपान ग्रहण करती हैं, खाना खाती हैं, जबकि करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं रात को चंद्रमा की पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेती हैं। इस व्रत में महिलाएं व्रत के दौरान जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। कहते हैं कि ये व्रत सर्वप्रथम पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था और तब से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और इस व्रत को विधि पूर्वक रूप से करती हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे समूह में इकट्ठा होकर या मंदिरों में महिलाएं ग्रुपों में इस व्रत को भी करती हैं। इस व्रत के उपरांत दूसरे दिन खाना पुरुष वर्ग के द्वारा बनाया जाता है और महिलाएं इन्हें परोसती हैं। का व्रत भी कहते हैं। ये सभी महिलाएं निराहार रहकर रखते हैं, अपने पति की दीर्घायु मंगल कामना हेतु यह व्रत रखा जाता है, जो कि करवा चौथ के ही सानिध्य में आता है, लेकिन करवा चौथ से भी अत्यंत कठिन होता है ये। इसकी तपस्या जो दीर्घ है, ये 2 दिन तक चलता है। निराहार रहकर दूसरे दिन ही व्रतोद्यापन करके प्राय स्त्रियां पूजा अर्चना करके विधिवत सूर्य देवता को अर्घ्य इत्यादि देके जगजननी माता जी के दर्शन करने के उपरांत ही फलाहार इत्यादि जो भी करना होता है व्रत उद्यापन के पश्चात ही दूसरे दिन जो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के भी उपरांत करती हैं। इसलिए इस व्रत का हमारे हिमाचल प्रदेश में विशेष महत्व माना जाता है, जो कि हरितालिका तृतीया अर्थात चिड़ियों के व्रत के नाम से जाना जा रहा है। जगजननी माँ नैना देवी सबको कल्याण प्रदान कर दे। तीज के नाम से जाना जाता है। इस पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए ये व्रत किया था, तभी से इस व्रत का संचालन शुरू हुआ। हम औरतें सुहागन औरतें इस दिन शिव जी की पूजा करती हैं और आज के दिन कुछ ना खा करके कल हम शिव जी के द्वारा पूजा करके इस व्रत को खोलेंगी। इसलिए हरितालिका तीज को हम ऐसे मनाते हैं। ये हमारी हिंदू रिवाज से मनाया जाता है और हिंदुओं का त्योहार।